हमारे यूनिवर्स में अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाइट स्काई इतना ज्यादा डार्क क्यों दिखाई देता है, जबकि हमारे नाइट स्काई को हमेशा ब्राइट रहना चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। इस फिनोमेनन को साइंटिस्ट ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स कहते हैं। एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में पूछा था कि अगर हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट और स्टैटिक है तो हमारा नाइट स्काई हमेशा डार्क क्यों दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और ही था। हमारा यूनिवर्स वास्तव में फाइनाइट एंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता चला जा रहा है। इसी वजह से स्टार से निकलने वाली लाइट जो हम तक आ रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेच एंड वीक हो जाती है कि हमारे लिए उस लाइट को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके पीछे एक और फैक्ट भी है कि कई सारे स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर है कि उन स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचना अभी बाकी है, और वो सारे स्टार्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें हमारा नाइट स्काई डार्क दिखाई देता है।